तो दरअसल ये कौन आरक्षण को मौलिक अधिकार कौन नहीं बताया हमको? दरअसल नरेंद्र मोदी जिस तरह से बयानों से खुश कर रहा है ना, उसी तरह से न्यायपालिका हमको बयानों से खुश कर रही है। जज बनाएंगे, जज बनाया जाएगा, शर्मा बनाएंगे, उपाध्याय को उपाध्याय बनाएंगे, त्रिवेदी को त्रिवेदी बनाएंगे, चतुर्वेदी को चतुर्वेदी बनाएंगे, पांडे को पांडे बनाएंगे, दीपों को, तो ये पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक फरमान सुनाया, जो अनारक्षित सीट में फॉर्म भरेगा उसको अनारक्षित सीट के अंदर ही माना जाएगा, यानी 50% पूरा जो आरक्षण है वो सवर्णों को दे दिया। उसके खिलाफ 14 फरवरी को पूरा उत्तर प्रदेश की आबादी, खास करके जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इलाहाबाद में रहने पढ़ाई करने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत भयंकर प्रदर्शन किया और जबरदस्त आंदोलन हुआ उसके खिलाफ। तो कहने का मतलब है कि प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया और आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले दरअसल प्रदर्शन इसलिए नहीं किया जा रहा है, सरकार और मीडिया बार बार न्यायपालिका का डर दिखा रही है। सोचिए न्यायपालिका क्या है, आरक्षण का पूरा प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार, उसका हेडिंग ही नाम है फंडामेंटल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रिजर्वेशन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट बट इट इज अ डिस्क्रेशन, यानी कि एक सरकार का विवेक है, अगर सरकार को लगता है कि तुम्हारे जैसे शोषित, वंचित, बेजुबान, दरिद्र, निर्धन समाज को भीख की जरूरत है तो हम तुमको भीख दे देंगे, हम तुमको दान दे देंगे, हम तुमको अनुदान दे देंगे। यानी मौलिक अधिकार तो दूर की बात है, इस देश की न्यायपालिका आरक्षण को अधिकार भी नहीं मान रही, वो भीख मांग रही। तो इसी के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है, और इसलिए आवाज उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम बट द पीपल्स ऑफ इंडिया हु हैज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कोई अधिकार नहीं है कि मनुस्मृति से प्रभावित होकर के फैसला दे। आप संविधान की शपथ खा करके न्याय का काम कर रहे हो तो न्याय दीजिए, न्याय के नकाब ओढ़ करके अगर आप नाइंसाफी करेंगे तो हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। भीख, आपने कहा कि भीख दे रही है, तो वो भीख दे रही है तो फिर वो 10% आरक्षण क्या है जो सवर्णों को दिया गया? देखिए सवर्ण तो हमेशा से भीख ही लिया ना भाई, वो भगवान का नाम लेके भिक्षा मांगे, हिंदी उसको भीख कहते हैं, वो तो हमेशा से ही भीख मांगे रहे। वो परजीवी प्राणी, दूसरे के मेहनत पे पलने वाले लोग हैं। इस देश का शोषित वंचित समाज, गरीबी कर में जी रहा समाज, खेती किया, किसानी किया, बंजर भूमि को अपने खून पसीने से सींच करके भारत की महान इमारत को खड़ा किया, लेकिन उसकी विरासत किसके नाम हो गई? जमीन का रजिस्ट्रेशन किसके नाम हो गया? समझिए सवर्णों के नाम। तो वो तो हमेशा से ही वीक पलते रहे, लेकिन जो अपना कमर तोड़ करके मजदूरी करके इस देश की इमारत को सींचा है, आज सरकार उसको सिर्फ इतनी आर्थिक स्थिति बनाए रखना चाहती है कि आज वो खा करके कल मजदूरी पर आ सके, कल काम पर आ सके। यानी जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए आपको जिंदा रख रही है बस। तो आरक्षण भीख नहीं, हमारा अधिकार है, और अपने अधिकार को बचाने के लिए हम लोग सड़क पर आएंगे। हमारी मांग है कि जिस तरह से SC ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जजों ने खत्म किया था और संसद में उसको दोबारा लागू किया गया, इसी तरह से आरक्षण को दोबारा संसद में पारित किया जाए, और इस देश के 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया है, 90% शोषित वंचित समाज रहती है, SC ST OBC माइनॉरिटी कमिटी है, तो 90% आवाम को 90% आरक्षण दिया जाए और उसको इस देश की जो भारतीय संविधान है उसके 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, तो तभी हमें इंसाफ की उम्मीद है। यानी कि जब तक धन और धरती का बंटवारा नहीं होगा तब तक हम इस देश में इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। ये सफेद झूठ है कि न्यायपालिका में हमको न्याय की उम्मीद है। सच बताऊं तो जब तक न्यायपालिका में हमारे जज नहीं रहेंगे हमको न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, हमको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। बाबरी फैसले पर हमने देखा जिस तरह से बौद्धों के पक्ष को नजरअंदाज किया गया, मुस्लिम समाज के पक्ष को नजरअंदाज किया गया, हमको हमारे इंसाफ की उम्मीद न्यायपालिका से टूट चुकी है। इसलिए कोलिजियम सिस्टम जो संविधान का कत्ल करके इन लोगों ने लाया है उसको खत्म करके न्यायिक आयोग बनाया जाए जो भारतीय संविधान कहता है, उसकी मांग हम सकते हैं। एक बयान आता है कल जस्टिस चंद्रचूड़ का कि असहमति जताना राष्ट्र विरोधी नहीं है, लेकिन स्पीच में आता है ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं निकल के आ रहा है? ये लोग दरअसल झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग, यही चार लोग बाहर निकल आके कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है और SC ST यही लोग खत्म करते हैं। यही लोग कहते हैं क्या नाम है, शाहीन बाग पाकिस्तान में नहीं बसता है, और चंद्रशेखर आजाद को डपटते हैं कि तुम लोग शाहीन बाग में जाना, दिल्ली छोड़ के चले जाना, कौन फैसला सुनाया था? तो दरअसल ये कौन आरक्षण को मौलिक अधिकार कौन नहीं बताया हमको? दरअसल नरेंद्र मोदी जिस तरह से बयानों से खुश कर रहा है ना, उसी तरह से न्यायपालिका हमको बयानों से खुश कर रही है। तो हमको हमारा आरक्षण चाहिए, हमको हमारी भागीदारी चाहिए। जस्टिस बालकृष्णन के बाद 10 साल बाद कोई
एकमात्र इसी को कास्ट का जज बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी लोग कैसे आ गए? तो जज बनाएंगे, जज बनाया जाएगा, शर्मा बनाएंगे उपाध्याय को, उपाध्याय बनाएंगे त्रिवेदी को, त्रिवेदी बनाएंगे चतुर्वेदी को, चतुर्वेदी बनाएंगे पांडे को, पांडे बनाएंगे दीपो को। तो ये पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं। तो दरअसल हमको, हमारी जरूरत है कि हमको आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, कोलिजियम सिस्टम कलंक है, धोखा है, उसको खत्म किया जाए और हमको न्यायपालिका में भागीदारी मिले, तभी हमको इंसाफ की उम्मीद है। क्योंकि जब तक हमारे लोग सत्ता पक्ष में नहीं रहेंगे, सरकार के अंग नहीं रहेंगे, तब तक हमको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। और न्यायपालिका मतलब कोई क्या है, कोई आसमान से टपकी हुई चीज थोड़ी है। संविधान ने न्यायपालिका को बनाया ना, संविधान कौन बनाया? विद द पीपल ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट हमसे बड़ा है क्या? हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया ना, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के मुताबिक फैसला देना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मांगना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमको हमारा आर्टिकल 19 देता है, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आप कहते हैं शर्मा वर्मा, उन लोगों का तो यही मानना होता है कि इन्हीं लोगों के पास दिमाग है, वही इस तरह की पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं। बाकी तो एससी एसटी तो ग्राउंड लेवल पे मतलब कहाँ काम करे वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब आप समझ लीजिए, संविधान लिखने वाला किस समाज से आते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक अछूत थे हिंदू धर्म के अनुसार, उन जो भारत के मूल निवासी थे, उन्होंने संविधान लिखा। और उसी मूल निवासी द्वारा लिखे गए संविधान की शपथ खा करके जज सोचते हैं कि उनके पास दिमाग है, यानी जो संविधान लिखा है उनके पास दिमाग नहीं है। जिस कौम के लोगों ने संविधान लिखा है उसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग हमारे पास है। यही फैसला जब जस्टिस कर्णन ने दिया तो जस्टिस कर्णन को जेल में डाल दिया गया। और एस के गांगुली जी का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वी हैव नो राइट टू इंटरफियर इन हाई कोर्ट्स मैटर, वी हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारे जज जब बोलते हैं, हमारे लोग जब बोलते हैं, हमको एक तरह से उग्रवादी, नक्सली, बेवकूफ, मूर्ख, कम पढ़ा लिखा तरह से बात कर दिया जाता है। सूरज कुमार बहुत LLM किया है लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट को, जज को ऐसा लगता है कि जनेऊ उनके ज्ञान का पहला प्रतीक है, इसलिए हमको अवसर नहीं देना चाहते। तो हमारी मुख्य लड़ाई अवसर की है, मैदान में आने तो दो, फिर पता चलेगा छलांग किसकी ऊंची होती है, छलांग किसकी लंबी होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज हमको इसी से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए चूंकि हमारी भागीदारी, जमहूरियत तभी इस देश में मुकम्मल हो पाएगी जब हमारी भागीदारी हो, चूंकि हमारी भाग्य नहीं है, हमको भागीदारी से महरूम किया जाता है, इसलिए हम लोग। जरूरी सूचना, द शूद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।